और बड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। रात को लेट नाइट ये नोटिस आया है, हरियाणा पुलिस फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का नोटिस है। इसमें ये भी बता दिया कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, दूसरा कब से कब तक किसका है वो भी बता दिया, और तीसरा हरियाणा पुलिस का ही केस है, उसके अंदर सरकार ने अपील दायर की है। एक बच्चा केस जीत गया था उसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है, मतलब करने की कह रही है। देखो, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल अगेंस्ट अटैच नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। यहाँ पे देखो जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल नोटिस में उसे डाला था, लेकिन वो क्या था, वो तो एक डिपार्टमेंट को लिखा गया नोटिस था। ऑफिशियल नोटिस तो अब आया है साइट के ऊपर, 1 तारीख से शुरू हो रहे फिजिकल आपके, 1 तारीख से 1/8/2024 से मेल कॉन्स्टेबल के है पहले, सबसे पहले फीमेल के उसके बाद होंगे। द क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर देयर पी एच टी अकॉर्डिंगली। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड पी एम टी इज मेंशन एनेक्सर बी। यहाँ पे जो एनेक्सर ए है वो तो है जो क्वालिफाई है वो, और जो एनेक्सर बी है वो है जिसका क्वालिफाई नहीं है वो। तो द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पी एम टी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अटैच बिलो। ये वो बंदे हैं जिनका क्वालिफाई है पी एच टी भाई, जिनका पी एच टी होना है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर लेना अपना, जिनका क्वालिफाई इन्होंने कह दिया कि क्वालिफाई हो गया है। अब वो दिखा देता हूँ जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और देखो यहाँ पे लिखा भी है द एडमिट कार्ड फॉर पी एच टी सेल पब्लिश शॉर्टली, द कैंडिडेट में डाउनलोड सेम बाय विजिटिंग द लिंक। ये इस लिंक से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 1 तारीख से फिजिकल है तो आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज 31 तारीख है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मेरा फिजिकल होना था, मेरा सब कुछ सही था, मेरा पी एच टी में नाम नहीं आया, पीएमटी में दिया था, पास था मैं, तो वो अगर कोई एरर लगता है तो आप एचएसएससी जा सकते हो, वहाँ पे ठीक करने को उनके पास राइट है। अब आ जाओ कब से कब तक है, तो यहाँ पे देखो 1 तारीख को थर्ड शिफ्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 तारीख को थर्ड शिफ्ट से शुरू हो रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह निपटा रहे हैं। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए 126 से आपका कितना 35,754, ये तो होगा सुबह 9 बजे से शुरू और 10:30 बजे तक। दूसरी शिफ्ट चौथी शिफ्ट है इस रजिस्ट्रेशन नंबर से, इस रजिस्ट्रेशन नंबर टाइम इधर दे रखा है कि पहले शिफ्ट का टाइम क्या है, कितने बजे एंट्री, कितने बजे नहीं है, सारी चीज़ें। 2 तारीख से 4 शिफ्ट चलेंगे, फिर रोज़ 4 शिफ्ट है, टोटल 8 शिफ्ट है टोटल भाई, 8 तारीख तक ख़त्म। कल जो आया था लेटर उसमें 10 तारीख तक दे रखा था, लेकिन यहाँ पर 8 तारीख को ही ख़त्म हो रहा है। लेकिन 10 तारीख को पता क्यों दे रखा था, क्योंकि 9 और 10 को फीमेल कॉन्स्टेबल का होगा, याद रखना भाई। जो भी फीमेल कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रही है अपनी फिजिकल की तैयारी रखे, 9 और 10 को आपका होने वाला है, 8 तारीख तक मेल का हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है जो नॉट क्वालिफाइड है, जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, पीएमटी में हाइट वगैरह कम थी या कुछ भी लगा लो, टेस्ट कम थी, ये वो रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है भाई। तो ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए। दूसरी एक ये केस है जिसमें सरकार अपील कर रही है वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये केस हुआ था हरियाणा पुलिस के ऊपर। हरियाणा सरकार ने सीटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनल शामिल करने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगी। पता क्या मामला था, मामला ये था कि कुछ लोगों ने केस किया कि भाई सरकार ने हर साल सीटी लेना था, हर साल, लेकिन वो नहीं लिया, इसलिए अब हम किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें हरियाणा पुलिस भर्ती में शामिल करने का वो दिया जाए मौका। तो हाईकोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ दे दी गई थी, ठीक है, ऑर्डर दे दिया था भाई इनको प्रोविजनली तौर पे आप पुलिस भर्ती में शामिल करो, यानी कि बिना सीटी दिए। मान लो वो सीटी देते तो क्या स्कोर था क्या नहीं था वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हर साल लेना था, आपने नहीं लिया, आपकी गलती है, तो इनको पुलिस में शामिल करो अगले पेपर के लिए, और 8 सप्ताह में सीटी लेने का आदेश दिया था। उस आदेश को हरियाणा सरकार चैलेंज कर रही है, यह अंतिम आदेश भर्ती में बाधा पैदा करेगा, इन्होंने काफ़ी चीज़ें कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे भी लिखा है इसके बारे में। बस मेनली बात यही है कि सरकार उसको चुनौती दे रही है आगे। सिंगल बेंच में ये मामला था, अब डबल बेंच में सरकार इसको जाएगी एलपीए में, तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई जो आपका 1 से 8 तो मेल के लिए, 9 से 10 है फीमेल के लिए, तैयारी रखो अपनी। ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम आपका, जहाँ तक जो मैं सुनने में आ रहा है, तो वो तो है 17 तारीख, ठीक है, 17 अगस्त, यानी कि 3rd week of August। और बाकी कुछ जगह ये चल रहा है कि 2nd week of August है,
तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, पेपर जब होगा हो जाएगा। मान के चलना थर्ड वीक से आगे तो 100% है कि नहीं जाएगा, थर्ड वीक तो लास्ट है बिल्कुल, और सेकंड वीक के 70% चांस है होने के, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो भी चीज़ देख लेना। बाकी अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा अपडेट आपको दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल नमस्कार, जय हिंद। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, जुड़ जाना, अपडेट वहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।